तो हेलो दोस्तों, ये वाला सॉन्ग है और इस तरह की रील्स वीडियो अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी फोटो से इस सॉन्ग पर इस तरह की ट्रेंडिंग इफेक्ट वाली वीडियो बनाना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक बने रहना। आप सिर्फ एक क्लिक में इस तरह की रील्स वीडियो बना सकते हो। कैसे बनाना है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है VN ऐप। इस वाली ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद में आपको इसको ओपन करना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन करोगे, अब आपको ऊपर एक फोटो स्कैन का ऑप्शन दिखेगा 3 डॉट के पास, इस पे ओके करना है। उसके बाद में गैलरी का ऑप्शन दिखेगा फोटो का, इस पे ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे ओके करोगे, डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में लेके चला जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक क्यूआर कोड का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप या तो इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फाइल दे दूंगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना। या फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे उसके बाद में आपको इस क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, हम इसके थ्रू अपनी फोटो की वीडियो बनाएंगे इस सॉन्ग के साथ। देखिए, मैं एक बार इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें म्यूजिक भी बज रहा है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे म्यूजिक भी बज रहा है। आप इसी म्यूजिक का यूज करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का। मेरे यहाँ यूज टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले इसको डाउनलोड कर रखा है। आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड के ऑप्शन पे ओके कर देना है। उसके बाद में यूज टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे ओके करोगे, अब दोस्तों ये आपको आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में लेकर चला जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको अपनी इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो के साथ आप इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं ये वाली फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल का और रिप्लेस का। अगर आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे आप एक ही फोटो की यहाँ पे वीडियो बनाओगे। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी 8 फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक ही फोटो की वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो पे नीचे दोस्तों देखिए ये फोटो दिख रही है, इस पे ओके करना है। आप जैसे इस पे ओके करोगे उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो ये वीडियो है ये बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब आपको नीचे देखिए फोटो दिख रही है, फर्स्ट वाली फोटो पे ओके करना है। अब आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो और इसको दोस्तों आप क्रॉप भी कर सकते हो। तो मैं इतना यहाँ पे रहने देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी जो फोटो की ट्रेंडिंग वीडियो है वो सॉन्ग के साथ बन के रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों मैं एक बार आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारी वीडियो बन के रेडी हुई है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो फोटो की वीडियो है वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है उसी सॉन्ग के साथ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, आपको इसमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे क्यूआर कोड को डाउनलोड कर लोगे उसके बाद में आप इसे स्कैन कर देना। स्कैन करोगे उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपकी वीडियो बन के रेडी हो जाएगी। इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर एरो का ऑप्शन देखिएगा, इस पे ओके करना है। जैसे इस पे ओके करोगे रेजुलेशन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका मोबाइल फ़ोन 1440 या फिर 2K को सपोर्ट करता है तो उसमें डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ पे 1080 रेजुलेशन रखने वाला हूँ। उसके बाद में FPS को दोस्तों आपको 30 रखना है और जो आपका बिट रेट है इसको भी दोस्तों यहाँ पे आपको 30 के करीब रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे ओके कर देना है। जैसे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे ओके करोगे दोस्तों, आपकी जो फोटो की वीडियो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आप इस वीडियो का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप बहुत कम समय में इस तरह की वीडियो को बनाना सीख गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।